कोरबा के सर्वमंगला नगर में हसदेव नदी के किनारे बनी झोपड़ी को कैनवास में पेंटिंग कर रही यह है खैरागढ़ संगीत कला विश्वविद्यालय की बैचलर ऑफ फाइन आर्ट की छात्रा हर्षा छाबड़ा, जो पहले के पुराने संस्कृति को पेंटिंग के माध्यम से जीवित रखने का प्रयास कर रही है। लॉकडाउन के कारण विश्वविद्यालय बंद है, इसलिए अपने प्रैक्टिस को जारी रखते हुए लाइव पेंटिंग के लिए हर दिन घर से सुबह निकलती है और दिन भर में 4 से 5 लैंडस्केप पेंटिंग बना रही है। काटते जंगल, कंक्रीट का बिछता जाल, पुरानी संस्कृति, मुर्गी चिड़ियों की चहचहाहट, साइकिल अब घर आंगन में नहीं दिखाई देते। हर्षा छाबड़ा युवाओं को संदेश देती है कि पेंटिंग का फील्ड अच्छा है, सिर्फ मोबाइल का उपयोग छोड़कर आर्ट की तरफ ध्यान देंगे तो कुछ सीखने मिलेगा, पेंटिंग तो सदियों तक जीवित रहेगी। अभी कॉलेज बंद होने की स्थिति पे बहुत दिक्कतें हो रही हैं, उसकी वजह से मैं सुबह से 7 बजे से निकली हुई हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मेरी पेंटिंग है और वो सामने स्पॉट है, उसको देख करके मैं बना रही हूँ। हमारे इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में आर्ट से लेके सारी चीज़ें हैं। हमारे इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय है, उसमें कल्चर से लेके सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। जिस तरह की मैं एक आर्टिस्ट BFA बैचलर फाइन आर्ट्स की स्टडी कर रही हूँ और वहाँ पर डांस, कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी और संगीत सब कुछ है। और कॉलेज बंद होने की स्थिति पे मैं अभी यहाँ पे पेंटिंग कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं अभी फर्स्ट स्पॉट पे लैंडस्केप बना रही हूँ। ये सर्वमंगला मंदिर नदी के पास में है और यह पेंटिंग बना रही हूँ क्योंकि अभी कॉलेज बंद होने की स्थिति में हमें बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि उसमें मतलब एक पुराना जो कल्चर था, जो हमारा पुरानी एक झोपड़ी होती थी, अभी तो इतने सारे बिल्डिंग्स वगैरह बन गई हैं तो वो तो एक नया फॉर्म आ गया है, पर पुराना जैसे जो कल्चर था जिसमें पेड़ होते थे और बहुत सारे जानवर होते थे, मुर्गियां होती थी, गाय, बकरी, भैंस होते थे, साइकिल होती थी, अभी के ज़माने में वो सब हमको दिखने नहीं मिला जाता। इसलिए हम उस कल्चर से हम जुड़े हुए हैं, उस रीति रिवाज से जुड़े हैं, उस संगीत से जुड़े हुए हैं, जो एक चिड़िया चहचहाती, एक वायर पे एक लाइन होती है, एक टोन होती है, एक उस पर सन पे सन की लाइट पड़ती है झोपड़ी पे, तो उसके जो खपड़े हैं वो एक अलग ही चमक दिखाते हैं। इसलिए हम ये झोपड़ी को ज़्यादा पकड़ते हैं और झोपड़ी एक स्पॉट अपना एक चुनते हैं। तो हम मैं रानी रोड सिंधी कॉलोनी से हूँ। मेरे फादर का नाम मिस्टर ईश्वर लाल छाबड़ा है, मेरे मदर का नाम मिसेस पूजा छाबड़ा है। तो वो स्पॉट इसलिए इतना दूर से मैं आई क्योंकि ये झोपड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी और ये स्पॉट भी बहुत अच्छा है। इससे पहले भी और कहीं भी कर चुकी हैं? हाँ, इससे पहले भी मैं अपनी कॉलोनी के साइड और आगे यहाँ की सर्वमंगला मंदिर की जो नदी है, नीचे डैम है के इधर अपने घर के पीछे एक नदी है, वहाँ पे सारी पेंटिंग बना चुकी हूँ। पेंटिंग को बनाने के बाद अब कहाँ रखते हैं क्या? उस पेंटिंग को बनाने के बाद अभी हम कॉलेज में भेजते हैं फोटो क्लिक करके और देन वो कॉलेज में सबमिट होता है, देन वो एग्जीबिशन लगता है, चाहे बेंगलोर हो चाहे दिल्ली हो, एनीवेयर एग्जीबिशन लगाए जाते हैं। इस तरह से मैसेज एक्चुअल में मतलब जो बच्चे हैं वो आज की स्थिति में सिर्फ मोबाइल 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 लेकर के बैठे हुए हैं, तो अगर वो बाहर ऐसे पेंटिंग करने निकलते हैं तो उनको बहुत सारा नॉलेज होगा और जो कल्चर से हम जुड़े हुए हैं, जिस कल्चर से हम जुड़े हुए हैं, उस कल्चर से जुड़ने के लिए हमको पेंटिंग बनाना बहुत अच्छी बात है और ये बहुत अच्छा फील्ड है, आगे फ्यूचर भी इसका बहुत अच्छा है। और जिस तरह बच्चे मोबाइल मोबाइल में घुसे हुए हैं, कम से कम कुछ बनाएंगे तो कुछ सीखेंगे उससे और बहुत कुछ उससे सीखने भी हमको मिलता है। तो हम जिस कल्चर से जुड़े हुए हैं, जिस रीति रिवाज से जुड़े हुए हैं, वो जो पेंटिंग है, जो एक कला है, एक चित्र है, वो आज से नहीं, वो कई वर्षों कई सदियों से आ रहा है। मीडिया फोर सपोर्ट के लिए राम कुमार के साथ ममता साहू की रिपोर्ट।